हेलो बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी गणित यूनिट तीन कुछ लेना कुछ देना पेज नंबर 36 पर हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक शेर का बच्चा जंगल में रास्ता भूल गया। उसने रोना शुरू कर दिया और अपनी माँ को बुलाने लगा। एक बूढ़े हिरन को उस पर तरस आ गया। वह उसे अपने यहाँ ले आया, लेकिन उसे देखकर दूसरे हिरन डर गए। बाकी सब जानवर भी घबरा गए। खरगोश, गिलहरी, चिड़िया, हमारे बीच एक शेर, नहीं नहीं, वह हमारे बच्चों को खा जाएगा। बूढ़े हिरन ने कहा, परेशान मत हो, मैं उसे समझा दूंगा। सुबह उठते ही शेर के बच्चे ने सबको धन्यवाद दिया और वहां से जाने लगा। खरगोश ने कहा, रुको, उसे ऐसे मत जाने दो, पहले गिन कर देखते हैं कि कहीं उसने हमें धोखा तो नहीं दिया। हम सब मिलकर 240 होने चाहिए, चलो गिने। ये देखिए, जंगल में हिरन के बच्चे और शेर का बच्चा, ये सभी जंगली जानवर यहाँ पर बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। टिल्लू ने खरगोश और हिरनों को गिना। खरगोश 27 और हिरन 48 थे। बूढ़े हिरन ने चिड़ियों और गिलहरियों को गिना। वहाँ पर 124 चिड़ियाँ और 38 गिलहरी थी। तो हम आ गए पेज नंबर 37। चलो जोड़ें और देखें कि वहाँ कितने हिरन और खरगोश हैं। हिरनों की संख्या कितनी है? 48, और खरगोश की संख्या 27। तो इसको जोड़ के देखते हैं हम। ये हमारे इकाई है, इकाई 8 है। तो 8 हमने इकाई यहाँ पे रख ली, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये हमारी दाई है, 4 दाई हमने यहाँ रख ली, 1 2 3 4। ये हमारा 27 है, 7 इकाई को हमने यहाँ रख लिया, 1 2 3 4 5 6 7। और 2 दाई को यहाँ रख लिया, 1 और 2। अब हम इसका जोड़ करेंगे, 48 जमा में 27। हमारे पास कितनी दाई थी यहाँ पे? 4 दाई थी और 8 इकाई थी। यहाँ पे हमारी 2 दाई और 7 इकाई थी। तो हम पहले इकाई को जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 का जो हमारा है इकाई 5 का, 15 का 5 और ये हमारा 15 होता है, 15 का 5 और ये हमारी एक दाई बच गई। तो हम इसको यहाँ दाई में के घर में हम ले जाएंगे इसको, ठीक है। हमारे पास पहले 4 दाई थी यहाँ पे और 2 दाई इधर थी। तो एक दाई हमारी यहाँ से आ गई है और यहाँ हमारे बच गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी एक दाई तो हमने ले गए दाई के खाने में और ये हमारे बच गए 1 2 3 4 5। ये हमने यहाँ लिख दिया 5 और दाई को हमने दाई के घर में जोड़ दिया। 4 दाई पहले थी, 4 और 2 6, और एक दाई हमारी यहाँ से आ गई। तो यहाँ हो गया हमारा 7, 4 और 2 6 और 1 7। ये हमारे 75 हो गए। हिरण और खरगोश की जो संख्या थी वो कितनी हो गई? 75। सारे 1 7 7 रखते हैं तो हमें 15 1 मिलेंगे, 10 1 मिलाकर 10 बनाएंगे और हमारे पास 5 1 बचे रहेंगे, जैसे कि हमने यहाँ बताया। ये 48 जमा में 27, ये हमारा उत्तर आ गया 75। यानी खरगोश और हिरण की संख्या क्या थी? 75, जो हमने जोड़ के अभी आपको दिखाया है। इसलिए हिरण और खरगोश की कुल संख्या 75 थी। तो पेज नंबर 38 पर चलते हैं। ये हमारा पेज नंबर 38 है बच्चों, 38। इसी तरह हम 124 चिड़ियों और 38 गिलहरियों को जोड़ सकते हैं। पहले सारे एक साथ रखकर 10 का समूह अलग कर लेते हैं। चिड़िया की संख्या कितनी है? 124, और गिलहरी की संख्या है 38। तो हम यहाँ जोड़ लेते हैं इनको, 124 यानी एक सैकड़ा हमने यहाँ रख लिया और 2 दाई हमने यहाँ पे रख ली, 2 दाई और 4 इकाई, 1 2 3 4, 4 इकाई को हमने यहाँ रख लिया है। उसके बाद 3 दाई यहाँ रख ली और 8 इकाई यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हम इकाई को इकाई के साथ जोड़ेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बन गई। 12 की जो है 2 जो इकाई है वो तो हम यहाँ इकाई के नीचे इकाई पे रखेंगे और एक हमारी जो दाई बन गई है वो दाई के खाने में ले जाएंगे, हमने दाई में ले गए इसको। उसके बाद
यहाँ दाई पे हमने एक दाई चढ़ा दी है, इसको एसल का एक भी बोलते हैं। तो आगे क्या करते हैं हम, ये हमारी दो इकाई होगी, अब हम दाई को जोड़ेंगे। ये दो दाई हमारे पास पहले थी और तीन, ये तीन और दो पाँच दाई और एक दाई हमने यहाँ से जोड़ के प्राप्त करी, तो तीन और दो पाँच और एक छः दाई होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे छः, ठीक है। और सैकड़ा हमारे पास एक है, तो एक का एक ये हमारे हो गए 162। कितना हो गया, इसलिए गिलहरियों और चिड़ियों की कुल संख्या कितनी होगी, 162। हिरण और खरगोश की कुल संख्या कितनी थी, 75, जो पीछे हमने जोड़ के देखी। बूढ़े हिरण ने कहा, हमारी कुल संख्या 240 थी, देखो अब हम कुल मिलाकर कितने हैं। तुम अंदाजा लगाओ शेर का बच्चा घर गया या नहीं, क्या शेर के बच्चे ने किसी जानवर को खा लिया था। इसका पता लगाने के लिए नीचे दिए गए खानों में जोड़े। चिड़िया और गिलहरी की संख्या कितनी है, कितनी है, 162 है, ये यहाँ से हमने जोड़ा था अभी। और हिरण और खरगोश की संख्या कितनी है, 75, ये 75 है। तो हम इसको जोड़ देते हैं, इकाई के साथ इकाई जोड़ेंगे, 5 और 2 7, 7 और 6 13 है, 13 का तिया और एसल का एक यहाँ लगेगा, सैकड़े में चला गया, 1 और 1 2 सैकड़े हो गए, तो 237 टोटल हुए यहाँ पे। और टोटल कितने बता रहे थे बूढ़े हिरण ने, कितने बताया था बूढ़े हिरण ने, हमारी संख्या 240 बताई थी, 240। और हमारे पास कुल कितने बचे हैं, 237 हमारे गिनने में आए हैं, चिड़िया और गिलहरी, हिरण और खरगोश, कुल संख्या 237 हुई। तो कितने कम हुए, तो यहाँ हम घटा के देख लेते हैं एक बार, यहाँ से हम उधारा लेंगे, इसको 10 बनाएंगे, 10 में से 7 गया 3, या ढाई पे एक कम हो गया, तो 3 में से 3 गया 0, 2 में से 2 गया 0, यानी 3 जो है, 3 हिरण या खरगोश जो है 3 कम हो गए। इसका मतलब शेर का बच्चे ने 3 जानवरों को खा लिया, उसने उनको धोखा दिया। तो बच्चों ये पेज नंबर 38 यहीं समाप्त होता है।